आज का फर्स्ट वर्ड है हवाई अड्डा। हवाई अड्डा हम उसे कहते हैं जहाँ पर विमान उड़ान भरते हैं और उतरते हैं, उसे हम कहते हैं हवाई अड्डा। वैसे हवाई अड्डे को इंग्लिश में कहा जाता है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट मतलब हवाई अड्डा। और छोटा हवाई अड्डा उसे कहा जाता है जहाँ पर छोटा विमान उड़ान भर सके और उतर सके, उसे कहा जाता है छोटा हवाई अड्डा। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है एरोड्रोम, मतलब छोटा हवाई अड्डा। और अगला है विमान। तो विमान को इंग्लिश में कहा जाता है एयरक्राफ्ट, मतलब विमान। और हवाई जहाज को इंग्लिश में कहेंगे एरोप्लेन, या फिर आप बोल सकते हो एयरप्लेन। और छोटा हवाई जहाज जो होता है इसे इंग्लिश में कहा जाता है हेलीकॉप्टर, या फिर आप बोल सकते हो चॉपर। और जो विमान को रखने की बिल्डिंग जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है हैंगर। हैंगर कहा जाता है इस बिल्डिंग को इंग्लिश में। और अगला है विमान यात्रा। विमान यात्रा या उड़ान, इसे इंग्लिश में कहा जाता है फ्लाइट। फ्लाइट मतलब विमान यात्रा या उड़ान। नेक्स्ट है विमान पथ। विमान पथ का मतलब होता है विमान का रास्ता जहाँ से विमान जो है वो उड़ान भरता है उड़ने के लिए। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है रनवे। रनवे मतलब विमान पथ। और अगला है उड़ान भरना। विमान का उड़ान भरना, तो उड़ान भरना को इंग्लिश में कहा जाता है टेक ऑफ। टेक ऑफ मतलब उड़ान भरना। और आकाश से जमीन पर आना किसी विमान का, या फिर उतरना, तो विमान के उतरने को इंग्लिश में कहा जाता है लैंड। और नेक्स्ट है विमान की रसोई। विमान में जो रसोई देखते हैं आप, उसे इंग्लिश में कहा जाता है गैली। गैली मतलब विमान की रसोई। और जो विमान में शौचालय होता है उसे इंग्लिश में कहा जाता है लेविटरी। और ये जो देख रहे हैं आप, ये बिल्डिंग जो देख रहे हैं एयरपोर्ट पे, इसे कहा जाता है इंग्लिश में टर्मिनल, जहाँ पर यात्री जो है वो टिकट वगैरह खरीदते हैं और उनके सामान की जांच होती है, तो उस बिल्डिंग को इंग्लिश में कहा जाता है टर्मिनल। टर्मिनल भी कह सकते हो आप, और एयरपोर्ट टर्मिनल भी कह सकते हो। और एयरपोर्ट पे पहुंचकर आने की सूचना देना, इसे कहा जाता है इंग्लिश में चेक इन, जहाँ पर आप अपना टिकट दिखाते हैं जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आपको कहाँ बैठना है, तो चेक इन कहा जाता है आगमन की सूचना देने को या आने की सूचना देने को। और इस काउंटर को इंग्लिश में कहा जाता है चेक इन काउंटर, जहाँ से आप चेक इन करते हो उसे कहा जाता है चेक इन काउंटर। नेक्स्ट है आगमन। आगमन किसी स्थान पर मतलब पहुंचना, तो आगमन को इंग्लिश में कहा जाता है अराइवल। और प्रस्थान या रवानगी, इसे इंग्लिश में कहा जाता है डिपार्चर। और अगला है यात्री। यात्री को इंग्लिश में कहा जाता है पैसेंजर। और यात्री का जो सामान देख रहे हैं आप, तो सामान को इंग्लिश में बोला जाता है लगेज, या फिर आप बोल सकते हो बैगेज। और ये पास जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है बोर्डिंग पास, या फिर आप बोल सकते हो बोर्डिंग कार्ड, जो एक डॉक्यूमेंट होता है जो एयरलाइन कंपनी के द्वारा दिया जाता है पैसेंजर को चेक इन के दौरान, जिससे वो विमान में सवार हो सके, इसलिए दिया जाता है ये बोर्डिंग पास। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में बोला जाता है पासपोर्ट। ये विदेशी यात्रा के लिए बनवाया जाता है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट है गलियारा। गलियारा जो देख रहे हैं आप, ये विमान में दोनों सीट के बीच का रास्ता होता है। वैसे गलियारा को इंग्लिश में कहा जाता है आइल। आइल मतलब गलियारा। और गलियारा के बगल में जो सीट देख रहे हैं आप, उसे इंग्लिश में कहा जाता है आइल सीट। और खिड़की के पास वाली सीट को कहा जाता है विंडो सीट। और बीच में जो सीट है उसे इंग्लिश में कहा जाता है मिडल सीट। और ये जो एरिया देख रहे हैं विमान में आप, जहाँ पर यात्री बैठे हुए हैं, उस एरिया को इंग्लिश में कहा जाता है कैबिन। और गाइस, अगर आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी वीडियो बनाने का। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट है सीट की पेटी। सीट की पेटी को इंग्लिश में कहा जाता है सीट बेल्ट। और सीट बेल्ट बांधना के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज होता है बकल अप, या फिर आप बोल सकते हो फासन। फासन भी यूज किया जाता है और बकल अप भी यूज किया जाता है। और सीट बेल्ट को अगर खोलना हो, तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड है अनफासन, मतलब सीट बेल्ट खोलना। नेक्स्ट है विमान के कर्मचारी। विमान के सभी कर्मचारी को इंग्लिश में कहा जाता है क्रू, मतलब विमान के कर्मचारी। और विमान चालक। विमान चालक जो देख रहे हैं आप, ये विमान को ऑपरेट करते हैं, तो इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है पायलट। और सह विमान चालक, ये पायलट की हेल्प करते हैं, इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है को पायलट। और विमान का वो हिस्सा जहाँ पर पायलट और को पायलट बैठते हैं और ऑपरेट करते हैं विमान को, उस हिस्से को इंग्लिश में कहा जाता है कॉकपिट। कॉकपिट कहा जाता है उस पार्ट को इंग्लिश में। नेक्स्ट है विमान परिचारिका। विमान परिचारिका का काम होता है पैसेंजर की देखभाल करना। बाय द वे, विमान परिचारिका को इंग्लिश में कहा जाता है एयर होस्टेस।
एयर होस्टेस मतलब विमान परिचारिका। नेक्स्ट डे चेक इन बैगेज। चेक इन बैगेज और चेक इन लगेज का मतलब होता है जो सामान आप अपने साथ नहीं ले जा सकते उसे आपको एयरपोर्ट पे देना पड़ता है और जैसे ही फ्लाइट लैंड करती है वो सामान आपको वापस मिल जाता है, उसे कहा जाता है चेक इन बैगेज या चेक इन लगेज। और कैबिन बैगेज। कैबिन बैगेज उसे कहा जाता है, वो बैग को कहा जाता है जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं विमान में, उस बैग को कैबिन बैगेज कहा जाता है। और ये जो देख रहे हैं जिसमें आपने अपना सामान रखा हुआ है उसे कहा जाता है इंग्लिश में ओवरहेड बिन। और प्रतीक्षा कक्ष, हवाई अड्डे पे जो प्रतीक्षा कक्ष होता है यात्रियों के लिए उसे इंग्लिश में कहा जाता है लाउंज मतलब प्रतीक्षा कक्ष। और ये मूविंग सरफेस जो देख रहे हैं आप एयरपोर्ट पे जहाँ से पैसेंजर अपने बैग को कलेक्ट करता है तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है कैरोसेल। कैरोसेल कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और हवाई किराया को इंग्लिश में कहा जाता है एयर फेयर। और हवाई जहाज में यात्रा के कारण जो आपकी तबीयत खराब होने लगती है, आपको चक्कर आने लगते हैं, जी मचलाने लगता है, तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है मोशन सिकनेस। और नेक्स्ट डे सवार होना विमान में यात्री का, तो सवार होना को इंग्लिश में कहा जाता है इम्बार्क। इम्बार्क या फिर आप बोल सकते हो बोर्ड। बोर्ड भी कहा जाता है सवार होने को और इम्बार्क भी कहा जाता है। एंड द लास्ट वन इज नीचे आना या नीचे उतरना यात्री का विमान में से, तो नीचे आना या नीचे उतरना को इंग्लिश में कहा जाता है डिसइम्बार्क। डिसइम्बार्क मतलब नीचे आना या नीचे उतरना। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और मुझे कमेंट में इन दोनों के आंसर लिख के बताइए। और इस वीडियो में आपने सीखी एयरपोर्ट पे यूज होने वाली वर्ड मीनिंग। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।